हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरविल पब्लिक स्कूल, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर आपका 11। इसमें दे रखा है कि इसके राइटर हैं डॉक्टर गीता रानी। इसमें दे रखा है कि बच्चों जो हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या काम करते हैं, उनका लालन पोषण करते हैं, उन्हें किस तरीके से कैसे क्या क्या अच्छी आदतें सिखाते हैं, बच्चे जिद नहीं करते हैं, ये सब लेसन में दे रखा है। आप इसको अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे। अब आया है एक्सरसाइज। शब्द अर्थ यानी कि उपकारी, भला करने वाला, पालन पोषण पालना, कर्तव्य फर्ज, आज्ञा हुक्म, खोटी बुरी, संगी साथी, इज्जत सम्मान, तंगी कमी, मेहनत परिश्रम, स्वच्छता सफाई, व्यर्थ बेकार, जिद हट अक्सर प्रायः, दंड सजा। अब आया है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। हमारे सच्चे पुकारी हैं माता पिता, तो माता पिता पे टिक लगाएंगे। खोटी नियत वालों का संगी नहीं बनाना चाहिए, तो यहाँ पे राइट करेंगे। मेहनत का फल होता है मीठा, तो मीठे पे टिक लगाएंगे। हमें साफ रखना चाहिए सब कुछ, घर भी है और बाहर भी, खुद को भी साफ रखना चाहिए, तो आ जाएगा सब कुछ, इस पे टिक लगाएंगे। अब आइए लिखित प्रश्न। खाली स्थान में दोहे की पंक्तियाँ भरो। माता पिता हमारे सच्चे उपकारी हैं, बच्चों का लालन पोषण उन पर कर्तव्य है भारी, मेहनत करने से पीछे हटना ना, याद रखो ये है। मेहनत का मीठा फल मिलेगा खूब चखो वह, बात बात पर व्यर्थ ही जिद तुम कभी ना करना, जिद करने वालों को अक्सर पड़ता है दंड भरना। अब प्रश्न उत्तर लिखिए। माता पिता पर कौन सा भारी कर्तव्य है? अब आंसर लिखेंगे, बच्चों का पालन पोषण करना माता पिता का भारी कर्तव्य है। क्वेश्चन सुनिए, बचपन की कौन सी आदत हमेशा काम आएगी? आंसर लिखेंगे, माता पिता और गुरुजन की आज्ञा मानना। क्वेश्चन, हमें किसका संगी नहीं बनाना चाहिए? हमें किसका संगी नहीं बनाना चाहिए, तो आप आंसर लिखेंगे, खोटी नियत रखने वालों को हमें संगी नहीं बनाना चाहिए। और दोहे में सच्ची पूजा किसे कहते हैं, तो बनाना पे यहाँ पे लिखेंगे। दोहे में सच्ची पूजा किसे कहा गया है? दोहे में सच्ची पूजा स्वच्छता कहा गया है, स्वच्छता को कहा गया है। यहाँ पे पूरा आंसर हो गया। अब लिखिए शब्द के बाद ई शब्द की मात्रा लगाओ। जैसे उपकार है, तो यहाँ पे बड़ी की लग जाएगी, तो हो जाएगा उपकारी। भंडार भंडारी, भार भारी, बीमार बीमारी। मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों से तुक बनती है। उदाहरण पढ़कर तुक समझो और मिलाओ। जैसे उपकारी यानी कि भारी, सफाई पिसाई, गुरुजन पुरुजन, करना डरना, संगी दंगी। अब आप लिखिए क्वेश्चन आंसर 3। वॉक्स की सहायता से उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। जैसे यहाँ पे लिखा अधिकार, झूठा खरा, कभी कभी इनाम, तो भारी हल्का, दंड इनाम, खोटा खरा, कर्तव्य अधिकार, सच्चा झूठा, हमेशा कभी कभी। अब यहाँ पे लिखिए अपनी, जैसे कोई दो दोहे याद करके सुनाओ, आप इसको लर्न करेंगे। अपने 5 साथियों के नाम लिखकर उनकी कोई एक अच्छी आदत के बारे में लिखो। जैसे संयम, आकाश, यश, ओम, मैंग, तो हमने इनके नाम लिखे हैं। आप संयम क्या है? संयम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ये इसकी अच्छी आदत है। आकाश, आकाश पढ़ाई में प्रथम आता है। यश, सदैव बड़ों का आदर करता है। ओम, सबकी सहायता करता है। मैंग स्वच्छता का पालन करता है। ये सब क्या है? अच्छी आदत है। अब किसी एक दोहे को बड़े 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 अक्षरों में चार्ट पेपर पर लिखो और उस पर सुनहरा रंग भरो। आप इसमें वर्क करेंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट।